जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है, परंतु अगर बात करें मौसम की तो मौसम जो है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में बादल छाए हुए हैं और कल बीते दिन की बात करें तो लुका छुपी का मौसम जो है वो देखने को मिले था। कभी सूरज देवता जो है वो तेज होते हुए नजर आए तो कभी बादलों के बीच में छिपते हुए नजर आए थे बीते दिन। तो आज सुबह की तस्वीरें हम आपको जो है यहाँ से सीधा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अगर बात करें तो जम्मू का बेस्ट पॉइंट माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है यहाँ से देखने को मिलता है और आपको इस व्यू से जो है थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हल्की हल्की जैसे फॉग जो है वो आपको छाई हुई नजर आएगी। और वहीं अगर आसमान की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो बादल जो है वो भी छाए हुए हैं और हवाएं जो है ठंडी हवाओं का रूप जो है जम्मू संभाग में एक बार फिर हुआ है। आपको बता दें कि मौसम जो विज्ञान केंद्र श्रीनगर है उसकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगले 48 घंटों के लिए जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है दोनों संभागों में बारिश हो सकती है। आज भी बारिश की संभावना जो है वो बताई गई है। तो वही कल के दिन भी जो है लोगों को बारिश के साथ जो है थोड़ा प्रभावित होना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मौसम जम्मू का बना हुआ है इस समय अगर बात करें जो तस्वीर सामने आ रही है वो साफ कर रही है कि मौसम जो है वो बिल्कुल तैयार है। लोगों को जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में गर्मी झेलनी पड़ी है उससे राहत देने के लिए, और अगर बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र ने भी ये साफ किया है कि बारिश जो है वो होगी। इसके साथ साथ जो है कुछ जगहों पर आपको बता दें कि थोड़े आंधी तूफानों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ जगहों पर जैसे हम देखते हैं कि बर्फ के जो छोटे छोटे गोले पड़ते हैं जिन्हें हम ओले कहते हैं वो भी शायद हिल स्टॉर्म्स कहते हैं जिन्हें वो भी शायद कई जगहों पर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज दोपहर के बाद जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के अंदर जो है बारिश होने वाली है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो मेट ऑफिशियल्स ने और किसानों के लिए भी साफ तौर पर कहा है कि वो जो स्प्रे करने वाले हैं अपने बाग बगीचों में अपने खेतों में वो अभी उसे पोस्टपोन करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है तो लगातार जो है किसानों के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो जो स्प्रे करने वाले हैं पेस्टिसाइड्स को लेकर जिस तरीके से जो कीटनाशक करने वाले हैं तो वो अभी ना करें, क्योंकि कुछ दिन जैसे ही मौसम बेटर नहीं होता है तब तक वो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग जम्मू और कश्मीर ट्रेवल करने वाले हैं यानी कि जम्मू से कश्मीर जाने वाले हैं या कश्मीर से जम्मू आने वाले हैं वो लोग भी पहले जो है ट्रैफिक विभाग के हेल्पलाइन नंबर्स पर ट्रैफिक विभाग के जो ऑपरेशन नंबर्स हैं उन पर जरूर कॉल करें, उसके बाद ही अपनी यात्रा करें। ये साफ तौर पर एक एडवाइजरी कह सकते हैं ये भी निकाली गई है, क्योंकि हमने कल के दिन में देखा था कि कुछ इलाकों में जिसमें डोडा है या हाईली हिली जो रीजन्स रहे हैं वहां पर जो है बर्फबारी हुई थी। और आज जो है सुबह से ही मौसम जो है जम्मू में काफी ज्यादा सुहाना बना हुआ है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, ये बेस्ट पॉइंट जो है जम्मू का माना जाता है, जहां से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है जम्मू का आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉग जो है हल्की हल्की आपको यहाँ पर नजर आएगी, हल्की हल्की फॉग जो है वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, आसमान में जो है बादल जो है वो छाए हुए हैं और आज दोपहर के बाद जो है जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में बारिश होने की पूरी संभावना जो है वो बताई गई है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है खुद का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि लगातार जो है कोविड के केसेस भी पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य वायरस भी जो है भारत में दस्तक दे रहे हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।